ये राधा रानी कौन है? जब भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए, ठाकुर जी का रूप इतना सुंदर था कि देवता सब ठाकुर जी पर मोहित हो गए, लेकिन सूर्य मोहित नहीं हुए। सूर्य के मन में यह भावना आई कि इतनी सबको तो यह लगे इतनी सुंदर बेटी हो हमारी, पर सूर्य को लगा इतनी सुंदर पुत्री हो मेरी मोहिनी भगवान को देख करके। तब भगवान किसी से नहीं रीझे, लेकिन सूर्य से रीझ गए और सूर्य नारायण को कहा कि हे सूर्य नारायण, आपने जो भाव रखा है ना हमको पुत्री रूप में देखने का, हम द्वापर में कृष्ण अवतार धारण करेंगे तब आपका यह भाव पूर्ण करेंगे। सूर्य बोले मुझे आपका अंश नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए संतान के रूप में। भगवान बोले कैसे होगा, सुनो तो सही पहले पूरी बात। भगवान बोले कैसे होगा, हम अवतार तो कृष्ण रूप में लेंगे और कृष्ण रूप में हम प्रश्नी और सुतपा, ये नंद बाबा वो देवकी और वसुदेव बन के आएंगे, उनके हम कृष्ण बन के जाएंगे। अब आपके यहां कैसे आ जाएं द्वापर में, या फिर प्रतीक्षा करो कि अगली बार सत्ययुग त्रेता जब आएगा तब आपके यहां संतान बनेंगे। तो सूर्य नारायण बोले नहीं नहीं भगवान, इसी द्वापर में ही आओ। ठाकुर जी बोले एक साथ दो अवतार कैसे हो पाएंगे। सूर्य नारायण बोले वो चिंता आपकी है, वो मेरी नहीं है, आप सोचो कैसे आओगे। तब ठाकुर जी ने विचार किया और बंधुओं, परब्रह्म परमात्मा साक्षात जगदीश्वर नारायण, परब्रह्म विष्णु, वे परब्रह्म ही साक्षात कृष्ण के रूप में पधारे हैं, पर उनकी जो आह्लादनी शक्ति है, नारायण की जो वास्तविक शक्ति है, वही शक्ति ही श्री किशोरी जी के रूप में परिणत हुई है। किशोरी जी के रूप में आई है, किशोरी जी कोई विलग नहीं है ठाकुर जी से, वो ठाकुर जी ही है, ठाकुर जी का ही पूर्ण बल है, ठाकुर जी का ही स्वभाव है, ठाकुर जी का ही, श्री कृष्ण का स्वभाव क्या, श्री कृष्ण का प्रेम कैसा, श्री कृष्ण के लक्षण क्या, बोले किशोरी जी। किशोरी जी और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं, वही हमारी किशोरी जी बनकर के आई है, ऐसी हमारी राधा रानी। एक बहुत सुंदर पद है, अभी हम गाते हैं, आप सब लोग प्रेम से सुनना। हमारे ब्रज में दो रत्न है, पहलो रत्न तो है मक्खन, ठाकुर जी ने बहु चुरा लियो, और दूसरे रत्न हमारी वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी, ठाकुर जी ने उनको भी हरण कर लियो। श्री परमानंद दास जी का पद है, बहुत भाव से गाते हैं। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी।